हेलो गाइस, इस वीडियो में हम प्रूफ करेंगे बीपीटी थ्योरम को, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। सो ये थ्योरम है 6 चैप्टर के 6.1। तो इस थ्योरम कहती है कि अगर कोई लाइन रोकी जाती है किसी ट्रायंगल के साइड के पैरेलल, यानी कि बीसी के पैरेलल एक लाइन रोकी गई है डीई, या ठीक है, और क्योंकि ये जो पैरेलल लाइन है दो अदर साइड को इंटरसेक्ट करेगी डी और ई पॉइंट पे, तो जो ये साइड्स बनी है एडी और डीबी, ए और ए ई और ई सी, ये इनके जो रेशियो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है, ए डी अपॉन में डी ई डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। सो सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें ए डी ई का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है, दो परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किए हैं, यानी कि ई एन, और दूसरी साइड हमने कंस्ट्रक्ट कर रखा है डी एम को, दो परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो इसके लिए एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। सो बेस क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड से पहले कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट साइड का पार्ट। सो लेफ्ट साइड वाले सारे ट्रायंगल फाइंड करेंगे ट्रायंगल का एरिया। सो इसके लिए एडी के लिए बेस क्या हो जाएगा, एडी, एंड हाइट क्या हो जाएगी, ई एन। फाइन, सो अब फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई का, लेफ्ट साइड वाला पार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। सो इसके लिए क्या होगा, वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा हमारा बी डी ई के लिए, वो ही हो जाएगा डी बी, ठीक है, डी बी आ गया। एंड ई एन कैसा आया ये देखना, ध्यान देने वाला बात है गाइस, कभी भी ट्रायंगल में जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वही उसी की हाइट होती है। तो इस बेस के लिए इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये ई एन ही होगा, तो इसकी हाइट भी इसी को कंसिडर करेंगे, इसलिए यहाँ हमने ई एन लिखा है। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब करेंगे हम राइट साइड वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे ए डी ई, अगेन ए डी ई आ गया, ए डी ई, फाइन। तो यहाँ हम थोड़ा बेस होगा जो हमारा वो अलग लेंगे, तो यहाँ राइट साइड में बेस क्या हो जाएगा हमारा ई ए ई हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा डी एम, डी एम हो गया। तो ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब राइट साइड में एक और ट्रायंगल है, यानी कि क्या कौन सा ट्रायंगल है, डी ई सी, ठीक है। तो डी ई सी लेंगे, सो डी ई सी लेंगे तो उसके लिए बेस क्या हो जाएगा हमारा, बेस तो हमारा ई सी होगा, लेकिन परपेंडिकुलर यानी कि हाइट क्या होगी हमारी, यही होगी डी एम, डी एम हो गई। इक्वेशन हो गई फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब इन इक्वेशन को यूज़ करेंगे हमारे जो रिक्वायर्ड हमें जो फॉर्म प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए इनको यूज़ करने वाले हैं। सो आइए करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो ये एरिया है इसको डिवाइड करेंगे सेकंड एरिया बी डी ई के एरिया से। तो मतलब क्या हो जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ बी डी ई अपॉन में एरिया ऑफ बी डी, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ बी डी, एंड इस इनका क्या है, हाफ ए डी अपॉन में ई एन, हाफ बी डी अपॉन में ई एन, ई एन से ई एन के कैंसिल हो आउट हो जाएगा, हाफ से हाफ हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, ए डी अपॉन में बी डी। अब करेंगे इक्वेशन थर्ड को डिवाइड करेंगे इक्वेशन फोर्थ से। तो एरिया ऑफ ए डी ई, लेट मी, सो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ डी ई सी हो जाएगा, ठीक है। एंड एरिया ऑफ ए डी ई क्या है राइट साइड के लिए, ए हाफ ए ई इंटू बी डी एम, और नीचे है हाफ ई सी अपॉन में डी एम, डी एम से डी एम कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारा, ए ई अपॉन में ई सी। अब मेन स्टेप आता है, अब आपको ध्यान देना होगा, एक चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि जो ये ट्रायंगल है नीचे वाले डी ई के नीचे वाले ट्रायंगल हैं, यानी कि बी डी ई और डी ई सी, इन दोनों के जो बेस है वो दोनों ही डी ई है, मतलब डी ई कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल में। तो ऐसी कंडीशन में गाइस, कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए, आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए किसी भी प्रूफ करने में, तो हमें से याद रखना है, ऐसे में अगर दोनों ट्रायंगल के बेस बराबर है तो जो उनका एरिया होगा वो भी आपस में बराबर होगा। तो मतलब क्या है, हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी होगा। अब दोनों रेशियो में अंतर क्या है, ऊपर ए डी ई है नीचे भी ए डी ई है, देखो ऊपर ए डी ई है और यहाँ भी ए डी ई है, अंतर क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है, यहाँ बी डी ई है और यहाँ डी ई सी है। और अभी हमने प्रूफ कर दिया कि बी डी ई बराबर होता है डी ई सी के, तो मतलब क्या है, जो ये रेशियो होगा वो आपस में बराबर हो जाएगा, तो इनका राइट साइड भी बराबर होंगे, तो यानी कि ए डी अपॉन में बी डी,
ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी प्रूव हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये थ्योरम है आपको एग्जाम में प्रूव करने की आवश्यकती है। एक है बी पी डी थ्योरम और दूसरी है यानी कि पाइथन पाइथागोरस थ्योरम। ये दोनों पूछी जा सकती है कि कैसे इसको प्रूव करोगे इस थ्योरम को। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ बी पी टी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।